हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको पेडिक्योर करना बताऊंगी, बेसिक पेडिक्योर। तो चलिए सीखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ब्लीच अप्लाई करेंगे। ये फ्रूट ब्लीच है, इससे डेड स्किन निकल जाएगी अच्छे से। उसके बाद हम नेल पेंट रिमूव करेंगे। सारे फिंगर्स के अच्छे से नेल पेंट अच्छे से निकाल लेंगे। नेल पेंट हमें लॉन्ग टाइम तक नहीं लगाना चाहिए नेल्स पे, नहीं तो नेल्स हमारे वीक हो जाते हैं और येलो पड़ जाते हैं। इसके बाद हम नेल्स कट करेंगे। नेल्स हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। क्लाइंट्स को हमें पूछना है कि नेल्स कट करवाना अपने कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने कट करना है नेल्स। उसके बाद हम साइड कटर से सारे नेल्स के कॉर्नर्स को अच्छे से कट करेंगे, खास करके थंब के, क्योंकि कॉर्नर्स ज़्यादातर नेल्स में अंदर चुभ जाते हैं। इसके बाद हम फाइलर करेंगे। फाइलिंग करने से सारे नेल्स अच्छे से शेप में आ जाते हैं। शेप हम राउंड, स्क्वायर, जैसा भी क्लाइंट को चाहिए उस तरह से हम कर सकते हैं। सारे फाइलिंग करने के बाद हम सारे नेल्स पे क्रीम लगाएंगे। इसको उसके बाद हम पैर को डिप कराएंगे। डिप करने से जो नेल्स की डेड स्किन है वो अच्छे से फूल जाएगी और उसके बाद हम ब्लीच सारी रिमूव कर देंगे। Thank you.
स्क्रबिंग करने से जो है डेड स्किन सारी फिंगर्स की एड़ियों में अच्छे से हम स्क्रब करेंगे, इससे डेड स्किन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। पेडिक्योर हमें 15 डेज में करवा लेना चाहिए। लॉन्ग टाइम अगर हमने पेडिक्योर नहीं करवाते तो हमारे फिंगर्स के नेल्स सारे येलो पड़ जाते हैं, और एक बार पेडिक्योर करने से नेल्स अच्छे से नहीं क्लीन होते, तो हमें जल्दी से जल्दी पेडिक्योर करवा लेना चाहिए 15 डेज वन मंथ में। और इसके बाद हम सारे स्क्रब को अच्छे से स्पंज की मदद से क्लीन करेंगे। और अब हम ब्रश से सारे नेल्स को अच्छे पे ब्रश मारेंगे। ब्रश मारने से जो भी स्क्रब और रेड स्किन है वो सारे अच्छे से निकल जाएंगे फिंगर्स के बीच में से। इसके बाद हम स्क्रबर मारेंगे, एड़ियों पे अच्छे से हम स्क्रबर करेंगे। इसको हम ध्यान से चलाएंगे क्योंकि हमें स्किन पे नहीं लगना चाहिए, ये सिर्फ एड़ियों पे चलाएं जहाँ पे हार्ड जगह है। दोनों पैरों में हम अच्छे से क्लीन करेंगे इसको। और अब हम टॉवल से सारे पैर को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। आप फर्क देख पा रहे होंगे कि ब्लीच और स्क्रबिंग के बाद पैर कितने साफ हो गए हैं। और इसके बाद हम ड्राई करने के बाद स्क्रबर मारेंगे। ये हमेशा हम पैर को ड्राई करने के बाद ही स्क्रबर मारना चाहिए क्योंकि ये डेड स्किन ड्राई के बाद ही निकलता है इस स्क्रबर से। अगर हम गीले पे इसको चलाएंगे तो कुछ भी डेड स्किन नहीं निकलेगी। इसके बाद हम टॉवल से सारा क्लीन कर देंगे अच्छे से। उसके बाद हम थोड़ा सा बफर मारेंगे नेल्स पे कि थोड़े से नेल्स साफ हो जाए और अच्छे से, इससे नेल्स शाइन करते हैं और डेड स्किन रिमूव हो जाती है। और इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है क्रीम मसाज करेंगे। अच्छे से सारी मसाज करने के बाद क्रीम को अब्जॉर्ब कर देंगे। और आने वाले वीडियो में आपको और भी बहुत सारे पेडिक्योर के बारे में बताऊंगी। और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, शेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें। तब तक के लिए टेक केयर।